आपके साथ आयुषी शर्मा, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। त्रिस्तुतिक संघ की मध्य प्रदेश इकाई की प्रथम बैठक श्री रविंद्र सूरी ध्यान केंद्र मेवासा जावारा में आयोजित की गई, जिसमें कि अलीराजपुर जिले के पदाधिकारियों को दायित्व दिए गए। और बैठक में प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरुजी महाराज साहब का चित्र पर पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई है। मंचासीन अतिथि राजेश बर्मीचा और धर्मचंद्र चपड़ोद, अनिल चोपड़ा प्रदेश अध्यक्ष, संतोष नाकोड़ा प्रदेश महामंत्री, शौकीन जैन और संजय कोठारी आदि उपस्थित। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंपालाल वर्धन द्वारा बैठक को वर्चुअल उद्बोधन प्रदान किया गया है। नमस्कार महामंत्र की धुन से प्रथम वंदना गायक विशाल नाहर द्वारा की गई। इसके पश्चात स्वागत भाषण संतोष नाकोड़ा द्वारा किया गया। बैठक में अलीराजपुर के मनीष आर जैन प्रदेश सह मंत्री और अनीश कुमार जैन जिला प्रमुख, नीलेश पी जैन जिला संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया। आज की बैठक में मध्य प्रदेश के 23 त्रिसंघ के पदाधिकारी उपस्थित हुए, जिसमें कि अनेक सुझाव दिए गए हैं। राकेश जैन मंदसौर, अभय जैन भैया उज्जैन और राजमल मोदी रतलाम, मनीष वोकड़िया बदनावर, अनीश जैन अलीराजपुर और सुनील वाफना राजगढ़, विशाल नाहर मंदसौर, विनोद डग महेंद्र जैन मोहन खेड़ा, संजय वागनी नीमच, मनीष सुनील, दिनेश मदनलाल, भवरलाल अशोक, लुखड़ समेकित छोटी सादड़ी, नरेंद्र भंडारी, आशीष विनोद, अनिल अंतु, हेमंत खचरोद आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। और इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष पद राजगढ़ निवासी सचिन सरापा को दिया गया है। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर उज्जैन साध्वी चंदन प्रभा जी का आगमन हुआ और अपने साधना स्थली पर आकर अपने आप को धन्य माना है, संगठन को शुभकामनाएं प्रेषित की है। आज निम्न प्रस्ताव पारित किए गए हैं। सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध कार्य करना, साधु साध्वी भगवंत की विहार एवं व्यायाम की व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करना और धार्मिक बंधुओं के उत्थान के लिए योजना पर विचार विमर्श करना, परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमती ऋषभ चंद्र सुरेश्वर महाराज के शिलान्यास समारोह के बारे में, कार्यक्रम के बारे में विचार करना, वर्तमान में चल रहे दो तिथि के महात्मा द्वारा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर महाराज के प्रति अपमानजनक बातों पर मजबूत निर्णय करना। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अर्पित चत्तर ने किया। आभार प्रदर्शन शौकीन जैन ने माना और आज अनेक नगर बदनावर राजगढ़ जावरा मेघनगर पिपलोदा नागदा दुदलका अलीराजपुर झाबुआ मंदसौर उज्जैन चित्ताखेड़ी मल्लारगढ़ नीमच जीरन और खाजरोद नयागांव छोटी सादड़ी खरवाकला बाजना और शिवगढ़ दालोदा आदि से पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। आचार्य श्री रविंद्र सूरी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। वर्तमान कक्षाधिपति आचार्य श्रीमती सूरी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। सम्माननीय मंच पदाधिकारी महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही आज सुखद अनुभूति हो रही है कि आचार्य श्री के देवलोक अमर के पश्चात समाज को नई दिशा नई ऊर्जा देने के लिए आपने यहाँ बैठक का आयोजन किया है। निश्चित रूप से इस बैठक से पूरे प्रदेश को संदेश जाएगा कि कहीं ना कहीं जैन समाज जो बिखर रहा था उसको आपने एक लड़ी में एक माला में पिरोने का काम किया है। और पूर्व में जो वक्ता हमारे जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, आपके अवैध प्रवास में भी मैंने आपसे विनती करी थी कि हम अपने साधु साधी महाराज साहेब का अधिक से अधिक विचरण कराएं। जहाँ भी साधु साधी का विचरण होता है उससे हमारे समाज को नई ऊर्जा नई दिशा